घटना हुई थी हजराना थाना क्षेत्र में, जिसमें स्पंदना सोसाइटी है उसका जो कलेक्शन का स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पैसे कलेक्शन का काम करते हैं, इनके दो कर्मचारी थे, उनमें से एक देवराज जो इसमें मामले में फरियादी हैं, वो और उनके एक साथी बैठ करके आ रहे थे मोटरसाइकिल में पूरा कलेक्शन करके, और उसका तीन बदमाश थे जो उसकी रेकी कर रहे थे, और रेकी करते हुए उन्होंने एक सुनसान जगह देखी और देख करके गाड़ी को रुकवाया उनको, और गाड़ी रुकवाने के बाद उनके बैग मांगा कि बैग दो, उन्होंने बैग नहीं दिया तो उन पर चाकू से हमला किया और बैग लेकर के फरार हो गए। उस बैग में करीब 1,55,000 रुपये पैसे थे। ये पुलिस के लिए चैलेंज था क्योंकि लूट और इसके बाद चाकूबाजी एक साथ घटना हुई थी, तो तत्काल थाना प्रभारी ने उस पर एक्ट किया। और ये सबसे बड़ी बात है कि उस दिन हमारे थाना प्रभारी का जो सालगिरह भी थी, तो इसके बाद भी हालांकि उनको प्रोग्राम था लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी को पहली प्राथमिकता दी और इसको पूरी तन्मयता के साथ लगे रहे। मौके पे हम भी गए थे और इसमें वहाँ के आसपास के CCTV फुटेज खंगाल लिए गए, जो कि बहुत क्लियर तो उस समय नहीं मिल पाए थे, लेकिन आसपास के फुटेज भी देखे गए तो उनमें से एक लड़का भागता हुआ नजर आया। और जब ये घटना हो रही थी उस बीच में धक्का मुक्की में उसका मास्क जो है थोड़ा सा नीचे हो गया था, तो जो फरियादी था फरियादी ने भी देख लिया था उसको कि उसमें थोड़ा सा चेहरे की झलक मिली थी। फिर इस बीच में काफ़ी प्रयास किया गया, इसका जितने भी चाकूबाज और लुटेरे इस तरह के थे उन सबको पहचान की गई, उनकी फरियादी को फोटो दिखाई गई, CCTV फुटेज से उसकी मिलान की गई और उसमें आरोपियों की पहचान हो गई उससे। जब उनका मोबाइल नंबर लेकर के उनका पूरा ट्रेस आउट करने का प्रयास किया गया तो उनके फ़ोन वगैरह भी बंद थे और वो घर से फरार थे, इससे पुलिस का संदेह और पक्का हो गया कि इसमें यही आरोपी है। बाद में पुलिस ने जाल बिछा करके आरोपियों को पकड़ा और इसमें तीन आरोपी मुख्य रूप से थे जो घटना को अंजाम देने में थे, और उसमें एक जो है आरोपी की माँ भी उसमें शामिल थी, और इसमें आरोपी की माँ वही थी जो जिसके घर पर समूह की मीटिंग होती थी, और इसका लड़का पहले भी इस तरह की लूट और चाकूबाजी की घटनाओं में वो बंद हो चुका था, तो इसमें मां को भी आपराधिक षड्यंत्र 120B का आरोपी बनाया गया।